नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2019। तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 27 फरवरी 2020 के हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं। और सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट्स क्या निकल कर आ रही है आइए देखते हैं। यूपी टेट 2019 इनवैलिड रिजल्ट का विरोध तेज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जितने छात्रों का रिजल्ट इनवैलिड आ रहा था या दोस्तों किसी भी कारणवश उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया, तो अब उसका विरोध दोस्तों ज्यादा हो चुका है और बच्चे ज्यादा परेशान है कि कैसे ना कैसे उनका रिजल्ट आ जाए, नहीं तो उनकी साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आती है कि यूपी टेट 2019 विवादित प्रश्नों को लेकर जाने अगले सुनवाई की तारीख। जी हाँ दोस्तों, अगली सुनवाई कब होगी उसको देखेंगे। और दोस्तों कितने कॉमन नंबर मिल सकते हैं, कितने फेल छात्र होंगे पास, और दोस्तों क्या हो रहा है कोर्ट में और कितने नंबर बढ़ सकते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो के दौरान डिस्कस करने वाले हैं। और एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जो आई थी, आपको पता ही होगा कि अब टेट या सीटेट में दोस्तों मिलेंगे केवल 3 मौके। तो दोस्तों पहली बात, क्या ये खबर सच है या झूठ, फेक तो नहीं दोस्तों? काफी आपको पता ना कि फेक खबरें वायरल हो जाती हैं हर जगह दोस्तों, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसी खबरें आने का कारण आपको हम बताएं। पिछले कुछ दिनों पहले आपने दोस्तों पता होगा जो नई शिक्षा नीति आने वाली है उसके अनुसार दोस्तों बातें हो रही हैं कि जो अब आपका शिक्षक बनना मुश्किल होगा और आईएएस से भी कठिन हो जाएगा दोस्तों शिक्षक भर्ती की परीक्षा। तरह तरह की दोस्तों बातें हो रही हैं। जब इस पेपर मोड को दोस्तों इतना कठिन बनाया जाने वाला है तो दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है? उसके बाद ही दोस्तों आपके मन में ये सवाल खड़ा हो रहा, क्या आने वाले टाइम में क्या ऐसा किया जा सकता है। चलिए दोस्तों कुछ देर के लिए मान लेते कि ये खबर फेक है, ठीक है, ये फर्जी है और ये अफवाह है, तो क्या ऐसा दोस्तों हो सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के दौरान। और दोस्तों पहले हम आपको बता दें जो आज की न्यूज़पेपर की अपडेट्स आई है और जो दोस्तों अगली सुनवाई की तारीख है। जी हाँ दोस्तों, आपकी दोस्तों जो सुनवाई थी शैलेश कुमार एंड अदर्स वाली जो केस दोस्तों पड़ा है, तो अब इसकी दोस्तों जो सुनवाई 25 तारीख को सुनवाई हुई थी, अब ये दोस्तों केस है, अब ये दोस्तों अगली सुनवाई इसकी 4 मार्च 2020। जी हाँ दोस्तों, आपको दोस्तों जितनी भी अपडेट चाहिए हो लेटेस्ट यूपी टेट कोर्ट संबंधित और दोस्तों यूपी टेट इनवैलिड संबंधित, सबसे पहले दोस्तों वो खबर दोस्तों dlitresult.com पर पब्लिश की जाती है। तो दोस्तों इस वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों आप लोग सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जाके वहाँ कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो वेबसाइट दोस्तों ये है, आपकी स्पेलिंग फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं, DELED, ठीक है, RESULT.com COM, यहाँ पर दोस्तों जाकर आप डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसका दोस्तों हमने वैसे लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे रखा है, तो दोस्तों जो कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दिया है वहां पर जितनी भी दोस्तों हाई कोर्ट से संबंधित होंगी यूपी टेट की खबरें, इनवैलिड संबंधित खबरें होंगी और दोस्तों आने वाली यूपी टेट 2020, सीटेट 2020 और दोस्तों जितने भी नोट्स होते हैं, रिजल्ट होते हैं, सबसे पहले सारी दोस्तों खबरें वहीं पर पब्लिश की जाती है। तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से दोस्तों आप लोग बिल्कुल लेटेस्ट खबरें देख सकते हैं। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो आपकी 27 फरवरी की है, हो सकता है आप इस वीडियो को 28 तारीख को देख रहे हो, तो और आपको दोस्तों लेटेस्ट जानकारी चाहिए हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से बिल्कुल आप लेटेस्ट खबरें देख सकते हैं। अब दोस्तों पहले देखते हैं कि आखिर ये खबर आ क्या रही है। यूपी टेट 2019 इनवैलिड रिजल्ट का विरोध तेज। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी 2019 में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के परिणाम में इनवैलिड दर्ज है। उनकी तादाद करीब 20,000 से अधिक है। अभ्यर्थी उनका परिणाम संशोधित करने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर शुरू अंतन बुधवार को भी जारी रहा। वही सचिव ने किसी बदलाव करने से इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरह का बदलाव करने से इनकार किया गया है। इसको लेकर अभ्यर्थियों का एक वर्ग कार्यालय के सामने अंतन पर बैठ गया है। उसका कहना है कि कई ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OMR में प्रश्न पत्र से जुड़ी सारी बातें लिखी है, ठीक है, फिर भी उनका परिणाम इनवैलिड है। वही ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भाषा आदि का कालम नहीं भरा है, फिर भी उनका परिणाम जारी हो चुका है। अभ्यर्थी इसे रिजल्ट में छेड़छाड़ बताकर जांच की मांग कर रहे हैं। सचिव अनिल बुरसर चतुर्वेदी ने पिछले दिनों शासनादेश का हवाला देकर विज्ञप्ति जारी की थी। अब परिणाम में बदलाव नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी इनवैलिड खबरों के लिए, उसके लिए दोस्तों हमने लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जितनी भी खबरें आएंगी दोस्तों सबसे पहले अपडेट की जाएंगी। तो देखिए अब मामला और दोस्तों बवाल कहिए जो भी कहिए बढ़ता जा रहा है, अब छात्र भी परेशान हो रहे हैं। देखिए मेन बात दोस्तों ये होती है ना कि आपकी साल भर की मेहनत होती है और एक दिन में दोस्तों वो खराब हो जाती है। हो सकता है दोस्तों आपने यूपी टेट में अच्छी खासी मेहनत कर भी लिया हो और आप अच्छे खासे नंबर स्कोर भी कर रहे हो, पता चले दोस्तों आपके 100 नंबर दोस्तों बनने यूपी टेट में, और बाद में दोस्तों आता है कि आपका रिजल्ट इनवैलिड हो गया है,
अब आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो छात्र तो परेशान होते ही हैं। अब दोस्तों देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। तो नई नई तरह की दोस्तों इस समय खबरें भी वायरल होती रहती है जिससे छात्र और परेशान होते हैं। देखिए दोस्तों एक और आपकी सुनवाई जो 26 मार्च को हुई, मतलब फरवरी को हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो उसकी जो अगली तारीख सुनवाई की मिली वो 23 मार्च मिली है। तो सोचिए कितनी लंबी दोस्तों डेट आपको मिल गई कि 26 फरवरी से लेकर सीधे अगली सुनवाई आपकी होगी 23 मार्च को। तो दोस्तों ये अपडेट्स भी dlitresult.com से आपको मिल जाएगी। अगर आप जाएंगे यहाँ पर तो दोस्तों सर्च करेंगे तो सारी खबरें दोस्तों वहां पर सबसे पहले पब्लिश की जा रही है। तो जल्दी से जाइए दोस्तों और जितनी भी अपडेट्स हो सबसे पहले दोस्तों आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कितने नंबर आपके कॉमन बन सकते हैं, कितने क्वेश्चन हैं जिस पर आपके नंबर बढ़ेंगे। तो दोस्तों वैसे हमने सारे प्रश्नों की लिस्ट आपको बता चुके हैं, जैसे सुमेल करने वाला क्वेश्चन था आपका दोस्तों, ठीक है ना, राष्ट्रभाषा वाला दोस्तों जो क्वेश्चन करके था सुमेल करने में, वो क्वेश्चन आपका था रेंडियर वाला था। ऐसे दोस्तों काफी प्रश्न बन रहे हैं जिस पर अभी आपके नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, कॉमन नंबर दिए जा सकते हैं। तो देखिए मामला कोर्ट में है। देखिए एक चीज और आपको हम बता दें कि काफी दोस्तों इस बार स्लो केस आपका चल रहा है। पिछली बार दोस्तों जो यूपी टेट 2018 का मामला था वो काफी तेजी से आगे बढ़ा था। उसका रीजन ये था दोस्तों कि उसके बाद तुरंत 69,000 शिक्षक भर्ती के में मतलब छात्रों को सम्मिलित होना था। तो दोस्तों वो केस ज्यादा हाई प्रोफाइल बन गया। अब 2019 वाले में क्या मैटर हो रहा है, अब आपको पता है दोस्तों इधर बीच में कोई भी नई शिक्षक भर्ती तो है नहीं, तो जिसके चलते दोस्तों ये केस काफी तेजी से हो और छात्र परेशान हो, तो मतलब केस स्लो स्लो चल रहा है। इसका दोस्तों मेन रीजन ये भी है। और अब देखने वाली बात होगी कि अभी कितनी और सुनवाई दोस्तों होने वाली है। तो यूपी टेट है दोस्तों और मामला कोर्ट में है, तो जब भी मामला आपका कोर्ट में जाता है तो वहां आपको समय देना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों समय लग सकता है। और लेकिन एक ही है, अगर दोस्तों आपको लगता है कि नहीं आपके जो पॉइंट है वो दोस्तों बिल्कुल वैलिड है, तो उम्मीद दोस्तों आप यही करेंगे कि आने वाले समय में दोस्तों आपको नंबर जरूर मिलेंगे। और बात आएगी दोस्तों फिर किसको नंबर मिलेगा, सिर्फ पियाची को या सभी छात्रों को मिलेगा। अब दोस्तों देखिए जब मामला जल्द से जल्द निपटारा हो जाता है तो उसमें मैक्सिमम केसेस में दोस्तों सभी को नंबर दे दिया जाता है। अब दोस्तों अगर मान लेते हैं यही केस अगर आज जैसे 2020 चल रहा है, अब दोस्तों यही केस जाके 2021 में फाइनल होता है या 2022 में फाइनल होता है, तब दोस्तों सभी को नंबर नहीं दिए जाते। उस केसेस में दोस्तों ये कर दिया जाता है कि जितने छात्र याची बने हैं उनको नंबर बढ़ाकर मामला खत्म किया जाता है। क्योंकि दोस्तों फिर सभी के रिजल्ट में संशोधन करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए 16 लाख छात्र पेपर में सम्मिलित हुए थे, आपको पता होगा यूपी टेट में, और दोस्तों पेपर वन में भी लगभग दोस्तों 10 लाख छात्र तादाद थी। तो आप सोचिए कि यही केस दोस्तों 2022 में 2021 में फाइनल हो एक साल के बाद, और उसके बाद दोस्तों सभी रिजल्ट में संशोधन करना काफी मुश्किल होगा। उससे अच्छा है दोस्तों तब तक जो छात्र होंगे 2021 का यूपी टेट का पेपर दे देंगे, ठीक है दोस्तों 2020 के एंड में भी तो पेपर होगा वो भी दे सकते हैं। सी टेट जुलाई का दोस्तों ऑप्शन है कि मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं छात्र उसको पास कर ले जाएंगे। इसका फायदा दोस्तों तब होता है जब इस केस का निपटारा 1 से 2 महीने में हो जाए। देखिए अभी उम्मीद बनी हुई है, उम्मीद खत्म नहीं हुई है। अगली सुनवाई दोस्तों 4 मार्च को होने वाली है। 4 मार्च को दोस्तों और होली से पहले पूरी दोस्तों कंफर्म हो जाएगा कि ये सुनवाई दोस्तों अभी कितनी लंबी खिंचने वाली है, ठीक है। अभी दोस्तों उम्मीद मत हारी है, समय दोस्तों काफी है, और इस बीच में कोई शिक्षक भर्ती है नहीं। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि अगर जुलाई तक कोई शिक्षक भर्ती आ जाती है, अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर पास हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। और दोस्तों जो नई नई तरह की अफवाहें आती है उससे छात्र और परेशान होते हैं। जैसे कि दोस्तों ये बोला गया कि अपटेट और सीटेट के लिए दोस्तों मिलेंगे केवल 3 और मौके, ठीक है ना, तो इससे छात्र तो परेशान होंगे कि यार एक मौका हमारा निकल गया उसके बाद दोस्तों 2 मौके ही बचे हैं, अगर उसमें हम पास नहीं होंगे तो क्या होगा। तो देखिए ऐसी जितनी अफवाहें आती है उससे आपको सावधान रहना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मौके दोस्तों आपको नहीं मिलेंगे, मतलब दोस्तों ये अनलिमिटेड बार रहेगा, कोई इसमें लिमिट अभी नहीं आने वाली। इसका रीजन दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था कि आप अगर डीएलएड का कोर्स कर लेते, समझिए एक बात को, ठीक है, जो छात्र दोस्तों डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं या बीएड का कोर्स कर रहे हैं, मान लेते सिर्फ आपने डीएलएड का कोर्स कर लिया, अगर दोस्तों आपको 3 मौके मिलते हैं यूपी टेट में, उसके बाद क्या होगा। अगर मान लेते दोस्तों 3 में से आप 3ों में फेल हो जाते हैं, चौथा मौका दोस्तों इसका मतलब है आपको मिलना नहीं चाहिए, फिर दोस्तों आप डीएलएड के कोर्स का करेंगे क्या। आपने डीएलएड इसीलिए तो किया था कि आगे चलकर आप टीचर बने। अब डीएलएड का दोस्तों आप यूज तो शिक्षक भर्ती में ही कर सकते हैं और कहीं इसका यूज तो होगा नहीं। तो दोस्तों ऐसा कुछ होने वाला नहीं, आप परेशान मत होइए। ऐसा दोस्तों तब कभी कभी किया जाता है जहां पर और भी मौके होते हैं, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन बेस पर दोस्तों कोई ऐसा फॉर्म है जिसमें दोस्तों मौके लगा दिए गए, नहीं आप 3 बार दे सकते हैं 2 बार, तो उसके बाद दोस्तों और भी आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो दोस्तों आप बस इसी से यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी इसमें मौके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मतलब दोस्तों डीएलएड का कोर्स आपका खराब नहीं होगा, आप परेशान मत होइएगा। और दोस्तों अगर इसकी कोई भी अथेंटिक खबर आती है दोस्तों, बिल्कुल आधिकारिक पुष्टि होती है, तो हम आपको इसको अच्छे से अपडेट करके बता देंगे।
फिलहाल दोस्तों अगर इस तरह हम और डिस्कस करेंगे तो आप परेशान होंगे कि नहीं यार मौके हम नहीं मिलेंगे, अब क्या होगा हमारा। वैसे दोस्तों क्या खबर वायरल हो रही थी उसको भी हम आपको बता देते हैं कि अगर आप तक ये खबर पहुंचे तो आपको उससे सावधान रहना है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना अब आसान होता नहीं दिख रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुसार बीएड या डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षुओं को अब शिक्षक के पद के लिए स्वयं को योग्य साबित करने के सिर्फ 3 ही मौके मिलेंगे। ठीक है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अमर उजाला से बातचीत में बताया। देखिए दोस्तों ये सब खबरें फेक हैं तो आपको इससे सावधान रहना है, ठीक है ना। ऐसी कोई दोस्तों बातचीत हुई नहीं होगी। जो प्रशिक्षु टीईटी या सीटेट की परीक्षा में 3 बार भाग ले चुके होंगे वो चौथी बार टीईटी या सीटेट की अर्हता परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे, जिसमें टीईटी 3 बार और सीटेट को 2 बार शामिल है। जनरल व ओबीसी छात्रों को 2-2 बार और एससी और एसटी छात्रों को 3-3 बार मौके दिए जाएंगे। तो दोस्तों मतलब कुछ भी जो मन में आ रहा लोग बनाकर लिख दे रहे हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जनरल और ओबीसी में दोस्तों जमीन आसमान का डिफरेंस है। मतलब ओबीसी दोस्तों ये भी आपके आरक्षित वर्ग में आती है। अगर कभी ऐसा होगा दोस्तों अगर जनरल में 3 मौके हैं तो ओबीसी में भी 3 रहेंगे, अगर जनरल में दोस्तों 2 मौके हैं तो भी दोस्तों ओबीसी में 3 मौके होंगे, ओबीसी में मौके कम नहीं होंगे, इसलिए दोस्तों आप परेशान मत होइएगा। एससी और एसटी में दोस्तों होता है क्या उसमें हम आपको बता दें, एससी और एसटी कैटेगरी में दोस्तों सिर्फ पैसों की छूट मिल जाती है कि कोई फॉर्म अगर मान लेते जैसे आज समय दोस्तों आप लोग का सीटेट का फॉर्म 1200 का है, ठीक है, अगर आप दोनों फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो आप एससी और एसटी में दोस्तों कितने का मिलेगा आपको 600 रुपये मिलेगा, जनरल ओबीसी के लिए 1200 है। तो यहाँ सिर्फ पैसों की दोस्तों छूट होती है और बाकी दोस्तों जो आरक्षण मिलता है वो तो बराबर होता है, तो आप लोग परेशान मत होइए। ऐसी दोस्तों जो खबरें आती हैं तो लास्ट में क्या लिखा था इसको देख लेते पहले। इसलिए बेहतर है कि छात्र उचित तैयारी के साथ परीक्षा में सम्मिलित हो और 3 बार से पहले ही टेट या सीटेट पास कर लें। यह नियम 2020 की जनवरी में दी गई टीईटी की परीक्षा से लागू हो चुका है, अर्थात जो छात्र 2020 में परीक्षा दे चुके हैं परंतु उत्तीर्ण नहीं हुए उनके पास अब महज 2 मौके और बचे हैं। तो दोस्तों देखिए ऐसी ऐसी खबरें कुछ भी बनाकर लोग लिख देते हैं तो आप उससे परेशान मत होइएगा, अभी आपको वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। फिलहाल दोस्तों जैसे विवादित प्रश्नों को लेकर जो फैसला आता है सबसे पहले हमारा YouTube चैनल आपको अपडेट करेगा। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया उसको जरूर ओपन करें और उसको रिफ्रेश करते रहें, जैसे दोस्तों नई खबर आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, ठीक है। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्ट।